सब्सक्राइब कीजिए इट्स टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल नोटिफिकेशन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो सुमन, अभी के दिन स्वागत है आपका टेक न्यूज के एक एपिसोड में, लेके आपके लिए ऐसी लेटेस्ट टेक न्यूज, चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को स्पेशल बनाकर स्पेशल बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों बात करें पहले अपडेट की, आता है पे Xiaomi की तरफ से। दोस्तों पहले तो हमको Xiaomi का 100 वाट का चार्जिंग देखने को मिलता था, 66 वाट का एक और चार्जिंग लॉन्च करने वाला Xiaomi, यह है 66 वाट का। तो देखेंगे इस तो बात चल रही है इसको लॉन्च करने की, पहले तो 100 वाट का मिलता था और उसके बाद एक और 66 वाट का हमको देखने को मिलेगा Xiaomi का चार्जर, तो ये बहुत ही तेजी से अपने फोन को रिचार्ज कर देगा। तो देखेंगे दोस्तों आप भी इसके लिए एक्साइटेड हैं क्या, मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताई देना। दोस्तों बात किया जाए दूसरे अपडेट की, आता है फिर फेसबुक की तरफ से। दोस्तों फेसबुक भी सोच रहा है डार्क मोड को लाने की। दोस्तों सब में तो अभी डार्क मोड फैल गया, दोस्तों सब तरफ फैल गया डार्क मोड, अभी फेसबुक ही पीछे रह गया था जिसमें आपको डार्क मोड देखने को नहीं मिलता था। अभी फेसबुक भी सोच रहा है डार्क मोड को लाने की, काम चल रहा है इसमें फेसबुक में डार्क मोड को लाने की। तो देखेंगे इसमें कब तक हमको देखने को मिल जाता है फेसबुक में डार्क मोड, आप थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो देखेंगे कब आखिर हमको मिल जाता है डार्क मोड फेसबुक में। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो S1 Pro आप जानते हैं चाइना में वीवो S1 Pro के नाम से लॉन्च हुआ था चाइना में, और ये इंडिया में हमको देखने को मिलेगा दोस्तों वीवो V17 के नाम से। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये दिसंबर के महीने में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में और लॉन्च होगा V17 के नाम से। तो देखेंगे इसकी क्या और स्पेसिफिकेशन होती है और ये फोन कैसा होता है आगे देख ही लेंगे, और इसकी स्पेसिफिकेशन तो कैसे होंगे आखिर देख ही लेंगे, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ ही हमको इंडिया में देखने को मिल जाएगा वीवो S1 Pro इंडिया में वीवो V17 के नाम से। आप इसके लिए एक्साइटेड हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताई देना। दोस्तों बात किया जाए दूसरे अपडेट की, आता है पे वापस से और Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल खबर आ रही है, Xiaomi K30 और K30 Pro के लॉन्च डेट निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, और ये लॉन्च होगी 10 दिसंबर 2019 को लॉन्च होंगे, और उसके बाद हमको ये इंडिया में भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 5G है और इंडिया में तो 5G नहीं है, थोड़ा हमको टाइम लग सकता है, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि हमको 2-3 महीने और देखने को मिलेगा टाइम Redmi K30 सीरीज के बारे में, ऐसा नहीं दोस्तों, थोड़ा जल्दी ही लॉन्च होंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि 5G भी इंडिया में अभी नहीं है, अभी शायद ये चाइना में लॉन्च होंगे 10 दिसंबर को, उसके बाद हमको ये इंडिया में देखने को मिल जाएंगे ये Redmi K30 सीरीज। आप इसके लिए एक्साइटेड हैं आप ही नहीं, बहुत लोग इसके लिए एक्साइटेड, बहुत लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं Redmi K30 सीरीज का, आप भी कर रहे हैं क्या, मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताई दें, टिक टिक लिख दो और सेंड बटन पर क्लिक कर ही दो। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे MediaTek की तरफ से। दोस्तों फाइनली आज लॉन्च हो चुका है MediaTek का एक नया प्रोसेसर 5G प्रोसेसर है, बहुत दिन से आपको खबरें सुनने को मिल रही होगी, और आज फाइनली लॉन्च हो चुका है ये MediaTek का 5G प्रोसेसर जिसका नाम है Dimensity 1000, ये कुछ अलग ही नाम है, और ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, 5G है और 7mm पर बेस्ड होगा, और देखेंगे कमाल की बात हुआ है। और बताया जा रहा है दिसंबर के महीने के बाद जो भी फ्लैगशिप फोन लॉन्च होंगे इसमें यही प्रोसेसर होगा, ये Dimensity 1000 प्रोसेसर होगा। तो देखेंगे तो हमको तो दिसंबर के महीने के बाद जो भी फोन लॉन्च होंगे उनमें ये प्रोसेसर मिलेगा, और ये कितना पावरफुल बताया जा रहा है कि पावरफुल है, लेकिन हमको ये यूज करने के बाद ही पता चलेगा ये कितना पावरफुल है। तो देखेंगे तो दिसंबर के महीने के बाद ये प्रोसेसर कैसा होगा। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है ColorOS 7 की तरफ से। दोस्तों फाइनली इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है ColorOS 7, और पहली बार दोस्तों ओप्पो ने ColorOS 7 को लॉन्च करने के लिए लॉन्च इवेंट भी रखा था, ओप्पो ने इंडिया में आज लॉन्च इवेंट भी था और फाइनली आज लॉन्च हो चुका है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों आज से ही आपको रेनो सीरीज के जो भी स्मार्टफोन है, आपको रेनो सीरीज के स्मार्टफोन में आज से ही आपको ColorOS 7 देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे नए नए आपको फीचर देखने को मिलेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता दोस्तों, उतने फीचर आपको मिल जाएंगे ColorOS 7 में, आज से ही शुरू है रेनो सीरीज में। और बताया जा रहा है कि आगे चलकर धीरे धीरे ये सब ओप्पो के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा ColorOS 7। दोस्तों आपका क्या कहना है दोस्तों ColorOS 7 अपडेट को लेके, मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताई देना। दोस्तों खत्म, फिलहाल इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को सर नीचे कमेंट बता दो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं किया तो लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इट्स टेक्निकल।